अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन इस बार चर्चा का विषय अलग है। उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले कि पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए भला कोई व्यक्तिगत बयान कैसे दे सकता है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस और सनातन को लेकर दिए गए बयान पर सपा ने अपना पल्ला झाड़ते हुए उनका निजी बयान बताया था, जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य काफी नाराज चल रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्रीय महासचिव और नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है, तो मेरा निजी कैसे हो सकता है, यह समझ से परे है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जातिवाद जनगणना कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को बचाने, बेरोजगारी और बढ़ी हुई महंगाई जैसे मुद्दों पर रथ यात्रा निकालने का सुझाव दिया था। इस पर सपा प्रमुख ने सहमति देते हुए होली के बाद यात्रा निकालने की बात कही थी, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं रहा। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादों से पुराना नाता है। उनके बयानों को लेकर मनोज पांडे समेत कई पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। स्वामी के खिलाफ कई विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों ने अखिलेश यादव से शिकायत की थी। स्वामी प्रसाद के बयान को लेकर विपक्ष से भी सपा पर जमकर निशाना साधा जा रहा था। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।